हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, द वैदिक पीरियड्स एंड द कैल्कुलिथिक सेटलमेंट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो जो है मेरे जो पुराने जो वीडियोज है वहां पर आपको मिल जाएंगे। नए वीडियोज बना पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आपको उस वीडियो से रिलेटेड आपको जो जो भी चैप्टर से आपके संबंधित एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको वहां से मिल जाएगा। और यहां पर हम जो प्योर आपके जो एक्सरसाइज की जो सोल्यूशन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है जो नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द मेजर सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड्स। तो जो मेजर जो सोर्सेज है वैदिक पीरियड को स्टडी करने का तो वो है वेदास है, तो आंसर में हो जाएगा द वेदास। देन सेकंड आता है द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदास, तो सबसे ओल्डेस्ट जो वेदा है फोर वेदास में वो है ऋग्वेदा। देन थर्ड आता है आपका अ सॉन्ग इज प्राइस ऑफ द गॉड्स, जो गॉड से रिलेटेड जो गॉड की जो प्राइस करते हैं उसकी पूजा करते हैं तो उसे हम हेम्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का द वॉरियर क्लास इन द वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी में जो वॉरियर क्लास थे वो थे आपके क्षत्रियास थे। देन लास्ट आता है अ लॉन्ग पोयम डिस्क्राइबिंग डीड्स ऑफ लेजेंडरी हीरोस, तो ये थे आपके द एन एपिक्स। सो इस तरीके से नेम द फॉलोइंग वाले में नेक्स्ट आता है डिफरेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंसेस बताने हैं आपको। ब्लैक एंड रेड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉट्स थे पॉटरीज थे उनमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं। सो आंसर देखें, फर्स्ट आता है ब्लैक, इसमें आपका ब्लैक एंड रेड वेयर में आपका आता है फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये जो है ब्लैक एंड रेड वेयर है जो वेस्टर्न जो पार्ट है इंडो गैंगेटिक प्लेन का वहां पर पाया जाता है। और ये जो है पाया जाता है पेंटेड ग्रे वेयर फाउंड इन द मिडिल एंड ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन डेटेड टू अराउंड 1450 to 1200 BC के बीच में ये जो ब्लैक एंड रेड वेयर जो है पॉट्स है वो मिलते हैं। ये जो है इसका जो डेट है डेटेड टू अराउंड 1200 to 600 BC के बीच के टाइम पीरियड्स में ये आपके जो पॉटरीज हैं वो पाए जाते हैं। देन सेकंड आता है आपका सेनानी एंड पुरोहित है, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं आपको। सो सेनानी होता है द कमांडर ऑफ द आर्मी इन वैदिक सोसाइटी, सेनानी मीन्स जो कमांडर होते थे आर्मी के जो कमांडर उसे सेनानी कहा जाता था। पुरोहित होते द प्रीस्ट इन वैदिक सोसाइटी, मतलब जो वैदिक सोसाइटी में जो पुजारी होते थे उसे पुरोहित कहा जाता था। असिस्टेड द किंग इन प्रोटेक्टिंग द ट्राइब फ्रॉम इनेमिस, मतलब ये जो है राजा को जो है आर्मी में हेल्प मतलब सेना में मदद करता था, प्रोटेक्ट करता था किंग जो एरियाज है उनको। और ये क्या करते थे पुरोहित, परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज एंड एडवाइज द किंग, मतलब ये जो रिलीजियस जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे साथ ही साथ जो किंग है उनको एडवाइस देने का काम करते थे। देन थर्ड आता है ग्रहपति एंड राजन, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। सो ग्रहपति द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द कुला और फैमिली हु हेडेड इट, मतलब ग्रहपति कोई भी जो कुल है फैमिलीज है उनके जो हेड होते थे उसे ग्रहपति कहते थे। राजन मीन्स द चीफ ऑफ अ ट्राइब हु वाज चूजन बाय द पीपल्स, मतलब जो लोगों के द्वारा ट्राइबल जो पीपल्स होते थे उनके द्वारा चुने गए उनके जो मुखिया होते थे उसे राजन कहलाते थे। देन नेक्स्ट आता है आपको फोर्थ नंबर का मैक्रोलिथ्स और आपके मेगालिथ्स, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। सो आंसर देखें आपका मैक्रोलिथ्स वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स विथ हाफ एज एंड साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर, मतलब छोटे छोटे जो स्मॉल जो स्टोन जो टूल्स होते थे जो 3 सेंटीमीटर से भी छोटे होते थे तो उसे हम मैक्रोलिथ्स कहते हैं। मेगालिथ मीन्स एक्सट्रीम लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, मतलब जो बड़े बड़े जो रॉक स्टोन्स होते थे उसे जो है मेगालिथ कहा जाता था। इसमें जो है मैक्रोलिथ यूज अ बैर्स ऑफ एरोज एंड स्पेयर्स, मतलब ये जो है मैक्रोलिथ है वो टूल्स के रूप में यूज किए जाते थे। मेगालिथ यूज अ बुरियल साइट मार्क, जो बुरियल साइट को मार्क करने के लिए जो मार्कर के रूप में निशान लगाने के लिए मेगालिथ इसका यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द वैदिक पीपल ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड्स में पॉटरी कैटल रेयरिंग फिशिंग या फिर कारपेंट्री, तो वो जो थे आपके बी आ जाएगा कैटल रेयरिंग। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका विच एज कोइंसाइड्स विद द राइज ऑफ द वैदिक कल्चर इन नॉर्दर्न
इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा जो एज है, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज या फिर जो मेगालिथिक एज, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा आयरन एज। देन थर्ड आता है आपका विच ऑफ दिस पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो कॉलम ए से कॉलम बी आपको मैच करने हैं, तो यहाँ पर कौन सा जो है करेक्टली मैच है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप सी देखोगे, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, तो ये जो है करेक्टली मैच है, तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट सिमिलैरिटीज बिटवीन द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक एज, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक एज में सिमिलैरिटीज में से कौन सा सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है, ए मीट बॉथ फ्लोरिज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बॉथ प्रैक्टिस फार्मिंग, बॉथ नेव द यूज ऑफ आयरन, या फिर बॉथ डोमेस्टिकेटेड एंड यूज हॉर्सेस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि फर्स्ट सिर्फ बॉथ जो है दोनों जो है बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब जो रिवर के किनारे जो है ये दोनों सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ था। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, जैसे पहले ही आपको पता है कि इसमें जो है आपको बहुत डीपली जो है क्वेश्चन एसरेशन और रीजन को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको आंसर देने हैं। एसरेशन ए में क्या है, इन द मेगालिथिक कल्चर पीपल बुरीड क्ले पॉट्स कंटेनिंग फूड्स एंड वाटर अलोंग विद द डेड बॉडीज, रीजन बताया गया है, द पीपल ऑफ द मेगालिथिक कल्चर्स यूज द बुरियल साइट एज अ सेफ प्लेस टू स्टोर देयर थिंग्स। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि सी ऑप्शन है कि ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है ना। मेगालिथिक कल्चर में जो क्ले और पॉट्स वगैरह है, वाटर फूड्स कंटेनर उसमें डाल के वो बुरीट करते थे, बट वो सेफ प्लेस नहीं स्टोर करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा आंसर इज ब्रीफ वाले क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड द वैदिक पीपल फर्स्ट सेटल डाउन, वैदिक पीपल जो है कहाँ पर सबसे पहले सेटल डाउन हुए थे, आंसर इसमें आता है द वैदिक पीपल फर्स्ट सेटल डाउन इन द रीजन सराउंडिंग द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दे कॉल दिस लैंड द सप्त सिंधु आर द लैंड ऑफ द सेमा रिवर, मतलब जो वैदिक पीपल जो सबसे पहले आए तो वो जो इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उनके सहायक जो नदियां हैं उनके आसपास ये जो है बसे, और इस लैंड को उसने सप्त सिंधु का नाम दिया था जहां पर वो सेमा रिवर्स है उसके आसपास बहते थे। देन सेकंड नंबर आता है आपका व्हाट डिड द वेदास कंटेन नेम द फोर वेदास, मींस जो वेदास में क्या क्या चीजें होती थी और फोर वेदास के नाम नोट डाउन करने हैं। सो द वेदास कंटेन हाइम्स व्हिच आर सॉन्ग इन फ्रेजेस ऑफ गॉड कंपोज्ड इन संस्कृत, दे आल्सो कंटेन डिटेल ऑफ द रिटवल्स टू बी परफॉर्म्ड टू अपीज द गॉड्स, द फोर वेदास आर द ऋग्वेदा, द यजुर्वेदा, द सामवेदा एंड द अथर्ववेदा, मतलब जो वेदास में जो हैम्स मतलब जो मंत्रोच्चारण वगैरह कैसे गॉड की पूजा करना है वो सब जो है उसमें होते थे और जनरली ये संस्कृत में लिखे जाते थे। फोर वेदास में आप देखोगे तो जो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ आयरन टूल्स ऑन एग्रीकल्चर, सो क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर पर आयरन टूल्स का, तो आंसर में हो जाएगा फार्मिंग इक्विपमेंट मेड ऑफ आयरन वॉज फार सुपीरियर टू टूल्स मेड ऑफ वुड्स और स्टोन एंड दिस प्लेड अ वाइटर रोल इन ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, मीन्स जो फार्मिंग जो है इक्विपमेंट्स है जो आयरन से जो बने तो उससे क्या हुआ कि जो ज्यादा से ज्यादा एरिया है वो कल्टिवेशन के अंदर में आने लगे और ज्यादा बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर होने लगा, क्योंकि जो टूल्स हैं वो आयरन से बने तो ज्यादा बेहतर होते थे। देन फोर्थ नंबर आता है व्हाट वेयर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द वैदिक एज, वैदिक एज जो पीपल से थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, सो आंसर है कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल्स, मतलब ज्यादा जो वैदिक पीपल्स थे वो कैटल पशुपालन करते थे और एग्रीकल्चर करते थे। देन विथ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड अ बेटर लाइफ स्टाइल अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस लाइक लेदर मेकिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग कैम अप, द वैदिक पीपल आल्सो वर्क एज अ पॉटर, वीवर्स, कारपेंटर्स, कैरोट्स मेकर्स एंड ट्रेडर्स, मतलब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ तो कई जो लोग हैं लेदर से जो सामान बनाने लगे, ज्वेलरी बनाने लगे, साथ ही साथ कुछ जो पोटर्स हुए, वीवर्स थे, कारपेंटर्स थे, कैरोट मेकर और ट्रेडर्स, तो डिफरेंट बाद में अलग अलग ऑक्यूपेशन जो है वैदिक पीपल्स है वो चूज करने लगे। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का,
व्हाई डू यू थिंक द वैदिक पीपल वर्शिप द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर, मतलब जो उस समय वैदिक पीपल्स थे तो वो जो नेचर्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसको वो वर्शिप, उसकी पूजा करते थे। सो आंसर में है द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर्स सच एज द सन, रेन, विंड, फायर एंड अर्थ व्हेन दे रियलाइज हाउ बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट दे वेयर फॉर लाइफ, मतलब वो जो है नेचर के जो डिफरेंट जो फोर्सेज जिसमें सन, रेन था, विंड, फायर, अर्थ, इनको वो वर्शिप करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कभी कि ये जो चीजें हैं उनके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के कारण से उसका जो लाइफ है वो चल पा रहा है। दे मे हैव ऑल्सो वर्शिप देम आउट ऑफ फियर आफ्टर ऑब्जर्विंग द फ्यूरी ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म और अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर क्लाइमिटीज, मतलब वो वैदिक पीपल्स हैं कभी कभी डर के कारण से भी कि कभी आग लग गया तो उसके कारण से अर्थ पीक आ गया तो अर्थ की पूजा, तो इस तरीके से वो जो है डिफरेंट पर्पस के लिए जो वर्शिप करते थे नेचर्स को। देन नेक्स्ट आएगा आपका आंसर इन डिटेल। डिटेल में मैं पहले से आपको बताऊं डिफरेंट जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन जो है आपको पॉइंट्स में प्रोवाइड किए गए हैं बेटा। सो आपको जितना पॉइंट सफिशियंट लगता है आपके टीचर्स अलाउ करते हैं 3.4 पॉइंट्स उतना ही आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैंने डिटेल में 5.6 पॉइंट आपको नोट डाउन करवाना है। सो आप जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वैदिक सोसाइटी वाज प्रीडोमिनेटली अ रूलर वन, एवलेट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मतलब जो वैदिक सोसाइटी वाज जनरली रूलर मतलब ग्रामीण एरिया था ऐसा कहा गया है। आंसर आपका आता है द अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज विलेज बेस्ड विद द पीपल लिविंग इन अ सेवरल स्मॉल सेटलमेंट्स, मतलब जो अर्ली जो वैदिक सोसाइटी वो गांव में रहता था और छोटे छोटे जो है सेटलमेंट्स के रूप में वो रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ियां बना के ग्रुप में वो रहते थे। द वैदिक पीपल माइनरली प्रैक्टिस रूरल ऑक्यूपेशंस लाइक कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर, मीन जो वैदिक पीपल्स हैं वो पशुपालन और एग्रीकल्चर का काम करते थे। No granaries or seals to suggest that large scale trade existed have been found. This is typical of ruler, right? Means जो वहां पर कोई granaries, seals, आपका seals वगैरह नहीं मिला जिससे पता चले कि कोई बहुत बड़ा trading होता था, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो rural life में settled थे। Then they lived in wattal and doab houses, not in brick houses that are usually found in urban areas, मतलब वो जो है छोटे छोटे जो घास फूस से बने हुए मिट्टी से बने हुए जो घरों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, ईंट वगैरह से बने जो घर है जो जनरली अर्बन सेटलमेंट में देखने को मिलता है, ऐसा ये जो वैदिक कल्चर में रहते वैदिक सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता था। देन इन द वैदिक सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज आर कुलास फॉर्म अ ग्राम आर विलेज, ऑल दिस फीचर्स पॉइंट टू The fact that Vedic society was predominantly a ruler one, जो ज्यादातर जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो फैमिलीज में या फिर कुलाजो या एक ग्राम में रहते थे जिसे विलेज उस समय कहा जाता था, तो इससे पता चलता है कि वैदिक सोसाइटी जनरली रूलर वन गांव में ही बसता था, रूलर सोसाइटी ही हुआ करती थी। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन द वैदिक एज, वैदिक एज में जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके के था। आंसर देखिए तो वैदिक सोसाइटी वाज मेड अप ऑफ यूनिट्स सच एज द कुला, द ग्रामा एंड द जना, दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम, मतलब उस समय जो सोसाइटी है छोटा इकाई जो कुला एक फैमिली होता था, फिर ग्राम, फिर एक जना जो बनता था, तो ये जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उस समय कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज द कुला और द फैमिली, मतलब सबसे छोटा जो यूनिट होता था वो एक फैमिली का जिसे कुलास कहते उस समय, द एल्डेस्ट जो मेल मेंबर्स होते थे फैमिली का उसे गृहपति के नाम से जाना जाता था, और वो जो हेडेज होते थे कुलास या फिर फैमिली का, हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन लिव्ड विद हिम एज अ ज्वाइंट फैमिली, और उस फैमिली में उस जो कुल में उसके जो फैमिली जो मेंबर्स हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है चिल्ड्रंस है वो सब एक साथ ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते थे। देन अ ग्रुप ऑफ कुला फॉर्म अ ग्राम आर अ विलेज, अ नंबर ऑफ ग्रामा फॉर्म अ विज आर अ क्लैंस, मतलब अभी एक जो कुल जो डिफरेंट फैमिलीज मिलकर एक गांव बनाते थे और वो एक कई सारे जो गांव मिलकर एक विस या फिर एक क्लैन बनाता था। देन अ ग्रुप ऑफ विस फॉर्म अ जना आर ट्राइब, मतलब अब जो डिफरेंट जो है ग्रुप जो मिलकर एक ट्राइब बनाते थे और वो जो जना या फिर जो ट्राइब होता था उसका जो हेड होता था उसे हम राजा, राजन या फिर जो ट्राइबल जो चीफ ट्राइबल जो समूह का जो मुखिया नामते थे। फिर जो वैदिक जो सोसाइटी है
वो ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग फोर जो डिफरेंट जो वर्नास है या फिर क्लास में डिवाइड था, जिसे हम ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास के रूप में जानते हैं। देन धीरे धीरे ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मूव आउट ऑफ द वर्ना दे वेयर बॉर्न इन टू एज अ सिस्टम हैड बिकेम रिग्यूड एंड कम टू बी बेस्ड ऑन हेड ट्री। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो सोसाइटी है वो फोर जो डिफरेंट क्लास में जो बटा हुआ था, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो उस कास्ट से वो पहले तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हुआ करते थे, बस बाद में ये क्या हो गया कि बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया और उस जो अपने जो कास्ट है वर्नाज है उससे बाहर नहीं निकल पाते थे। तो इस तरीके से ये सेकंड के आंसर हुए। देन आपका थर्ड आता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द वर्ना सिस्टम। जो वर्ना या फिर अभी जब हमने जो कास्ट जो सिस्टम देखा तो उसको मेरिट्स क्या था और डिमेरिट्स क्या है, तो इसके जो आंसर हम देखते हैं तो आंसर में आपके मेरिट्स में सबसे पहले आप इधर देखिए, तो इट फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड इंश्योर दैट वर्क हैपन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वेज। मतलब जो मेरिट्स में आप देखोगे तो क्या होता था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर है वो डिवाइड हो जाता था और उसके अकॉर्डिंग टू लोग जो है अपना वर्क करते थे। व्हेन द वर्ना सिस्टम बिकेम हेटरी पीपल कुड बिकेम बेटर एट देयर वर्क सिंस दे वेयर गाइडेड बाय देयर फैमिली मेंबर्स नॉलेज एंड द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस पास डाउन फ्रॉम वन एक्सपीरियंस जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब वर्ना सिस्टम जो हेटरी हुआ तो एक जो काम है वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है उनको ट्रांसफर होता था, तो वो जो अपने काम को बेहतर तरीके से बेहतर एक्सपीरियंस के साथ कर सकते थे। देन इट इज पॉसिबल हैव क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग्स द मेंबर ऑफ ईच वर्नास। मतलब इससे क्या हुआ कि भाई जो एक जो वर्ना एक जो जाति में एक जो कास्ट में बिलोंग करते थे तो जो उससे क्या हुआ कि एक जो सेंस सेम बिलोंगिंग वाले जो सेंस है वो क्रिएट हुए। थ्री पॉइंट्स है, थ्री में आप टू पॉइंट्स लिखेंगे तो भी इनफ है। डिमेरिट्स में देखेंगे वर्ना सिस्टम का, सो क्या हुआ तो व्हेन द वर्ना सिस्टम बिकेम हेटरी इट बिकेम्स रिगिड अ पर्सन बॉर्न इन अ सर्टेन वर्ना रिमेन देयर फॉर एवर देयर वॉज नो वे दे कुड बिकेम पार्ट ऑफ अनदर वर्ना इवन इफ दे हैड द स्किल एंड एबिलिटी फॉर इट्स। मतलब डिमेरिट्स में उसका जो वर्ना सिस्टम का हम नुकसान देखें तो जो हेरिडिटरी हुआ कि जो जिस जाति में जो जिस वर्ना में जो जन्म लेते थे तो उसी जन्म में होता उसी वर्ना में वो काउंट होते थे, वो कभी उस वर्ण से बाहर नहीं निकल सकते थे। इससे क्या हुआ कि उसके पास कितने भी एबिलिटी स्किल हो कोई दूसरा काम करने का वो उसको वो चूज नहीं कर सकता था। इट क्रिएट डिसहार्मनी एंड डिसयूनिटी इन सोसाइटी। और इससे क्या हुआ कि जो सोसाइटी है डिसयूनिटी होने लगा, आपस में एकजुल कर नहीं रहे क्योंकि जो है लोगों को जो है अब जो है बॉर्न के अकॉर्डिंग उनका वर्ण है वो डिसाइड हो रहा था। तो इस तरीके से ये जो आपके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने देखा वर्ण सिस्टम का। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है आपका, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कैल्कोलिथिक पीपल ऑफ इनमगाम। इनमगाम में जो रहने वाले जो पीपल्स है तो उनके जो मेन जो फीचर्स आपको वहां पर क्या देखने को मिलता, तो आंसर आ जाएगा द मेन फीचर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कैल्कोलिथिक पीपल्स ऑफ इनमगाम आर एज फॉलोज। मेन फीचर्स में आपका आता है द पीपल वेयर माइनरली फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट सीड फाउंड एट द साइट वी नो दैट द पीपल ऑफ इनमगाम grew barley, wheat, peas, gram and beans. They also cultivated rice, jowar and ragi. मतलब जो पीपल्स जो थे इनमगांव के वो फार्मर्स थे और वो जो डिफरेंट टाइप के जो सीड जो प्लांट्स जो सीड मिले हैं उससे पता चलता है कि वहां पर वो ये जो बैरली वीट है, पीज है, ग्राम्स एंड बीन्स है, साथ ही साथ राइस, ज्वार और रागी है वो उगाते थे। देन नेक्स्ट आता है द एनिमल बोन्स फाउंड इन द साइट सजेस्ट दैट द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल, सीप, गॉड, डॉग्स एंड पिग्स। मतलब वहां पर जो एनिमल्स बोन्स मिले इलमगाम उससे इस डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको वो डोमेस्टिकेटेड करते थे। देन द रिमेन्स ऑफ एटलीस्ट 134 मड हाउसेस हैव बीन फाउंड एट इनमगाम। मतलब वहां पर मिट्टी से बने हुए 134 जो मड हाउसेस मिले हैं, इससे पता चलता है कि वहां के जो लोग हैं वो मिट्टी से बने हुए घरों में रहते थे। देन A few tools and ornaments made out of copper have been found at Inamgaon. Stone tools found here including blades and a microlith. मतलब कुछ जो tools और ornaments मिले हैं जो copper से बने थे, साथ ही साथ बहुत सारे stone tools भी यहाँ पर मिले हुए हैं। Then several terracotta figures have been found at Inamgaon, of which the most common animal figure is that of the bull. मतलब छोटे छोटे जो खिलौने के रूप में टेराकोटा फिगर्स मिले हैं
उनमें से जो सबसे ज्यादा जो कॉमन जो फीचर्स में मिलता है वो है बुल का मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट आपके फोर्थ के क्वेश्चंस के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, गिव एन अकाउंट ऑफ द मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो मेगालिथिक कल्चर है उससे रिलेटेड आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। आंसर, इन साउथ इंडिया मेगालिथिक कल्चर इमर्ज अराउंड 1000 BC। इन दिस कल्चर बुरियल साइट्स आर मार्क बाय एक्सट्रीमली लार्ज स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स। मतलब जो ये जो मेगालिथिक कल्चर है वो 1000 बीसी के आसपास इमर्ज हुआ और यहाँ पर जो बुरियल जो साइट्स है उसको बड़े बड़े जो लार्ज स्टोन से जो है मार्क किए जाते थे, इस कारण से इसको मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है। सम ऑफ द साइट्स हैव पिट्स लाइंड विथ स्टोन्स टू कंटेन गिफ्ट्स फॉर द डेड। मतलब कुछ जो साइट्स पर जो पिट्स जो मिले हुए हैं, गड्ढे मिले हैं जहां पर जो अपने जो डेड जो पर्सन है उनको जो है वो कुछ जो गिफ्ट्स कंटेंट के साथ उसको दफना दिया जाए, जहां पर फूड कंटेंट ऑर्नमेंट्स वगैरह रहते थे। देन द मेगालिथिक बुरियल साइट्स आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ द यूज ऑफ आयरन। आयरन टूल्स वेयर यूज्ड टू कट एंड वर्क द मेगालिथिक। मतलब मेगालिथिक जो बुरियल साइट वहां पर जो है आयरन का यूज किया जाता था पत्थरों को कट करने के लिए, मेगालिथिक बनाने के लिए जो आयरन टूल्स का यूज किया जाता था। देन The habitations found near these burial grounds are scanty, suggesting that the megaliths were put up by nomadic groups of people as a kind of marker in case they ever wanted to return to the sites. मतलब उस समय के जो लोग थे वो जनरली क्या थे, nomadic groups थे, मतलब उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। तो इससे suggestion होता है कि जो megalithic जो है rock का जो है वो इसलिए use किए जाते थे ताकि वो कभी वहां पर return आए तो वो उनको पहचान सके, उनको जान सके। देन द बुरियल साइट कॉन्टेन सेवरल आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स। मतलब वो जो बुरियल साइट है तो वहां पर आयरन से बने हुए जो वेपन्स है, कुछ इम्प्लीमेंट्स है वो मिले हुए हैं। दे ऑल्सो कॉन्टेन द बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स। साथ ही साथ अलग अलग डिफरेंट जो एनिमल्स है उनके बोन्स मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ द मेगालिथिक कल्चर बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इससे जो पता चलता है कि जो वहां के जो लोग थे वो डेथ के बाद लाइफ है उस पर भी विश्वास करते थे। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आपको जितना इनफ लगता है, सफिशिएंट लगता है, उतने पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्विक पैसेज दिया हुआ है। ये जो आपके जो इमेज है इसमें आपका जो उस समय गुरुकुल सिस्टम जो एजुकेशन का वो आपको दिया हुआ है और इसी से आपको जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको यहीं से सर्च करने, यहीं पर आपको मिल जाएगा, गुरुकुल सिस्टम्स है। क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन यूर ओन वर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ गुरुकुल सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है फंक्शनिंग आप यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम दिया हुआ है, तो यहीं से आप नोट डाउन यहाँ तक कर सकते हो आंसर। हम यहाँ पर आंसर डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो अंडर द गुरुकुल सिस्टम द स्टूडेंट स्टेड इन द आश्रम ऑफ देयर टीचर्स आर गुरु टू एक्वायर नॉलेज। They learned how to recite the hymns from the Vedas. They also learned the art of welfare and administration. Learning happened in natural surrounding. Student did not pay fees. Instead, they offer a special tribute called Guru Dakshina to the Guru. मतलब गुरुकुल सिस्टम में जो स्टूडेंट्स है वो अपने जो गुरु है उन्हीं के यहाँ उनके आश्रम में रहते थे। वो स्कूल ऐसे बिल्डिंग नहीं होता था, नेचुरल प्लेसेस होते थे, वहां पर वो रहकर स्टडी करते थे, वेदास हैं उसको पढ़ते थे और साथ ही साथ वो जो है वेलफेयर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के बारे में सीखते थे। गुरु को एक डिफरेंट वर्क में हेल्प भी करते थे, वो जो है कोई फी पेश नहीं करते थे, बट लास्ट में एक समय गुरु दक्षिणा उनको गुरु को देना पड़ता था। देन सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द गुरुकुल सिस्टम। तो गुरुकुल सिस्टम की अच्छाई और बुराइयां दोनों बताने हैं आपको, है ना, कमियां और जो है अच्छाई बताने हैं। तो मेरिट अच्छाई देखे गुरुकुल सिस्टम का, तो लर्निंग हैपन इन नेचुरल सराउंडिंग, ये भी आपको क्वेश्चन ही में आपके जो पेसेज दिया वहीं पर है कि जो भाई स्टडी है वो नेचर के बीच में होता था क्योंकि आश्रम जो है जंगलों में वनों में बनता था, फॉरेस्ट एरिया में रहता था। एटमोस्फियर है गुरुकुल का वो जो स्टूडेंट्स के जो अपने आसपास जो था उसी तरीके का था, अपने घर जैसा वहां पर माहौल था। Then learning happen and a peace comfortable for the student. मतलब जो learning है वो शांति के साथ जो student जितना वो सीख सके वो उसी तरीके से वहां पर study होता था। Demerits देखोगे आप गुरुकुल system का,
सो लर्निंग वॉज रेदर इनफॉर्मल विदाउट अ स्टैंडर्ड सिलेबस, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं था, जो गुरु जैसा भी जो वेदांत के ज्ञान दे रहा है वही बस पढ़ाया सिखाया जाता था। देन देयर वेयर पॉसिबल नो एग्जाम आर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, शायद उस समय जैसे अभी एग्जाम होता है वैसा एग्जाम उस समय नहीं होता था, अगर वैसा होता तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना कि भाई हमें एग्जाम देना नहीं पड़ता। सो इस तरीके से ये जो आपके गुरुकुल सिस्टम के क्या हुए, डिमेरिट्स हुए। देन स्टूडेंट्स कुड नॉट चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर लाइकिंग, मतलब जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पसंद होता था वो चूज उस समय नहीं कर सकते। अभी देख रहे हो कोई मैथ्स, कोई बायोलॉजी, कोई साइंस जो चूज कर रहे हैं, कोई जो है आर्ट्स में जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो उस समय वैसा कुछ चीजें नहीं होती थी। तो इस तरीके से ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन के सेकंड का आंसर हुआ। और यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड करवा दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि ऑन द वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।